हेलो एंड वेलकम दोस्तों को, फिर से स्वागत है आप सभी का सन के ब्लॉग से। वीडियो में काफ़ी दिनों बाद व्लॉग आ रहा है। ये जो ड्यूक 390 देख रहे हो, आज से कुछ टाइम पहले ये ऑरेंज कलर की थी, लेकिन आज भाई कितना प्रीमियम लग रहा है आप लोग नीचे कमेंट करके बताना। पूरी एक्सपेंसिव चीज़ बताता हूँ, कितने कितने ही पड़ी और क्या क्या चीज़ कितने का लगा। ये जो टोटल मॉडिफिकेशन है, इसकी बात करने से पहले बता दूँ ये स्टार्ट कैसे हुआ। आज से कुछ टाइम पहले मेरे इस ड्यूक का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें मेरे बहुत सारे मेजर डैमेज आए, जिसमें मेरा फ्रंट से लेकर लेफ्ट पार्ट तक डैमेज हुआ। उसके बाद मैंने डिसाइड किया इस बाइक को देंगे अब एक नया लुक। करोल बाग मुझे बेस्ट ऑप्शन लगा, जहाँ पे मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। 65,000 के अलावा भी मेरे कई ऐसे रुपए लगे हैं जो कि अनकाउंटेबल है, यानी कि रैप के साथ में अपने साइड फेंडर भी। पिछले कई साल से मैं यूट्यूब पे ब्लॉग्स डालता हूँ, लेकिन इस बार कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ। आप लोग से रिक्वेस्ट है, इसे कमेंट करके बताना और अपने सजेशन देना कि किस तरीके का ब्लॉगिंग आपको पसंद आ रही है या फिर नहीं। आपको पूरी लिस्ट साइड में दिख रही होगी, जिसके अंदर मेरा डिस्प्ले, हेडलाइट यूनिट, साइड फेंडर के साथ में इसकी फ्रंट टी और एक पार्ट भी नया इंस्टॉल है, क्योंकि ये सारी चीजें एक्सीडेंट में डैमेज हो चुकी थी। अब इसके बाद हमने डिसाइड करा कि इसको क्या नया लुक दे। तो पहले मैंने डिसाइड किया इसको देंगे नियोन या फिर ग्लॉस ब्लैक या फिर मैट ब्लैक, लेकिन हमारा फाइनलाइज हुआ ये कलर, क्योंकि ये काफी यूनिक था और दिल्ली में एकदम अलग हट के गाड़ी बनने और इसके ग्राफिक भी काफी यूनिक है। ये सारी चीजें हमने अपने लिए कस्टमाइज करवाई है और इसका टोटल एक्सपेंस की बात करूं तो मान के चलो कि 10,000 से ज्यादा का मेरा खर्च हुआ है। फिर भी आपको एक्यूरेट प्राइस जानना है तो यहाँ मेरा इंस्टाग्राम हमारा, आप मुझे आकर फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं स्टोरी लगाता रहता हूँ। इसी के साथ ब्लॉग एंड करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बताओ यार कि ये वाला स्टाइल आपको पसंद आ रहा है कि नहीं, और हाँ मेरी नई वाली ड्यूक कैसी लगी और इसका क्या नाम रखना चाहिए। तब तक ले बाय।